अगर नई मोटरसाइकिल की खोज में आपका ये पहला कदम है, इफ़ यू हैव सेट आउट टू सर्च फॉर योर नेक्स्ट मोटरसाइकिल एंड इट्स गोइंग टू बी अ एडवेंचर टूरर या फिर लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग के लिए स्पेसिफिक अगर आप मोटरसाइकिल ले रहे हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। क्योंकि अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो तो इस वीडियो के बाद आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट होगी, जो देख के आप किसी भी ब्रांड के किसी भी शोरूम में जाके एक बाइक को टेस्ट ड्राइव करने के वक्त या फिर देखने के वक्त आपको उसमें कौन से पॉइंट्स देखने हैं और कौन से पॉइंट्स इग्नोर करने हैं, ये आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। और ये ज्ञान मैं नहीं देने वाला हूँ, अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स देने वाले हैं। तो अब और बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। Alright, before we start this discussion, I want to take a moment and wish you all a very happy new year 2021. This is 1st of January 2021. I hope कि ये साल आपको बहुत ही अच्छा जाए। Counting kilometers की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। Let's prosper together in this year. और सबसे बड़ी विश ये है कि ये कोविड जल्दी से जल्दी निकल जाए। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल, अपने चैनल पे मेंबरशिप्स एक्टिवेट हो चुकी है। इफ़ यू कैन सी जस्ट अंडर द सब्सक्राइब बटन देयर इज वन मोर बटन एडेड विच इज कॉल्ड एज ज्वाइन। इट इज जस्ट अ स्मॉल वे दैट यू कैन यूज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू आवर ग्रोथ। अगर आपको लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम कुछ तो वैल्यूएबल कंटेंट आप तक लेके आ रहे हैं, तो जस्ट गो अहेड एंड हिट द ज्वाइन बटन। उसमें तीन अलग अलग ऑप्शंस है, आपकी चॉइस के हिसाब से जो आपको सही लगे वो ऑप्शन आप ज्वाइन कर सकते हो। इट इज अ मंथली रिन्यूएबल मेंबरशिप, यू कैन ऑप्ट आउट एनी टाइम यू वॉन्ट। ऑल द डिटेल्स आर देयर अंडर द ज्वाइन बटन, जस्ट हिट दैट, चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ। और अगर आपको सही लगे तो डू ज्वाइन, और अगर आप ज्वाइन करते हो तो टेक अ स्क्रीनशॉट, इंस्टाग्राम पे स्टोरी में डालो और हमें टैग करो सो दैट वी कैन रीशेयर। अगर आप में से ज्यादा लोग हमारे चैनल के मेंबर्स बनते हैं तो इट विल ऑब्वियसली हेल्प अस जनरेट अ लिटिल बिट ऑफ रेवेन्यू आउट ऑफ इट, और उतना ही हम ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे और ज्यादा ट्रिप्स और ज्यादा नया कंटेंट, नए गैजेट्स, व्हाटएवर इट इज, जो भी इसमें से मिलेगा वो आपके लिए ही इन्वेस्ट होगा। दैट इज माई प्रॉमिस। सो यस, 2021 के पहले दिन यही एक रिक्वेस्ट करनी थी आपको, अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो हमारे लिए न्यू ईयर का गिफ्ट होगा, और जो भी नया नया कंटेंट बनेगा वो हमारी तरफ से आपको रिटर्न गिफ्ट होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल, यू आर वाचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स। वेल, एज प्रॉमिस्ड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉग दैट आई एम मेकिंग। अगर आपको कोई भी बाइक परचेस करनी है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग, इफ यू आर लुकिंग फॉर परचेसिंग अ बाइक स्पेसिफिकली पर्पज बिल्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि बाइक लेनी है और कभी कभार अगर पॉसिबल हुआ तो मैं जाऊंगा कहीं घूमने, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए बाइक लेनी है, कोई भी बाइक इरेस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड, तो आपको उस बाइक में कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए स्पेसिफिकली, कि ये सब चीज़ें हैं ये जो होनी ही चाहिए अपनी बाइक में, और दूसरा पार्ट कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपनी बाइक में ऐड कर सकते हो या आपको करनी चाहिए मॉडिफिकेशन एसेसरीज स्पेसिफिक टू लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग। सो फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, यहाँ पे अपने पास एक्सपर्ट है सुशांत गरवारे। अभी इज नॉट न्यू, आपको ऑलरेडी पता है, डोमिनार भी मेंटेनेंस के लिए इन्हीं के पास रहती है हमेशा, एम एट इसके ऑटो केयर। अगर आपने देखा नहीं है तो इसका मतलब आप अभी अभी जुड़े हो हमारी फैमिली से। वेल, राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क सुशांत इज फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव, कि अगर आपको, लेट्स सी, यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर रिसर्च फॉर न्यू बाइक स्पेसिफिक टू लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग, व्हाट वुड यू लुक फॉर? अगर आपको नई बाइक लेनी है और आपको समझिए कि साल में आपके 2-3 ऐसे राइड्स होंगे 15-15 दिन के, कि हर दिन आपको 500-600 किलोमीटर चलाना है, स्पेसिफिकली उस पर्पस के लिए आपको बाइक लेनी है, तो व्हाट आर द थिंग्स यू वुड लुक फॉर, कि ये चीजें मेरी बाइक में होनी चाहिए अगर मैं नई बाइक ले रहा हूँ तो? बेसिकली कैसा, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग अगर करना है तो मेन है आपका बॉडी को फटीक कम से कम आना चाहिए। तो वो करने के लिए पहले एक तो बात मेन थिंग है कि आपका इंजन जो आप गाड़ी का चूज करोगे वो वाइब्रेशन फ्री होना चाहिए, ज्यादा वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, वो इंजन उतना रिलायबल होना चाहिए कि आप अगर एक बार सैडल पे बैठ गए, आप 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर वन स्ट्रोक में निकल जाओ, तो उतना भी वो इंजन कैपेबल होना चाहिए, इंजन को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, स्ट्रेसलेस इंजन होना चाहिए बेसिकली। सेकेंड थिंग क्या है कि आपका राइडिंग पोस्चर, अगर आप एग्रेसिव राइडिंग में जाओगे तो आप लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग नहीं कर, शोल्डर पे स्ट्रेस आता है, ज्यादा भी क्रूजर लेवल पे जाओगे तो भी आपको स्ट्रेस होगा। अच्छा, मतलब आप अगर एवेंजर भी कंसीडर करो, वैसे एवेंजर अच्छी गाड़ी है लॉन्ग टूरिंग के लिए, तो मैंने खुद 1 लाख किलोमीटर एवेंजर पे, पर एवेंजर का सीटिंग पोस्चर क्रूजर जो शेप है उसमें भी आपको एक स्टेज पे आता है कि आपके पैरों को फटीक आएगा। सो विच पोस्चर डू यू थिंक इज द बेस्ट? बेसिकली मोस्टली आई वुड ऑलवेज प्रीफर अ एडीवी पोस्चर। अगर आप केटीएम एडवेंचर 390 देखते हो तो उसका जो सीटिंग पोस्चर है, आप उस पर, आप सैडल पे, आप दिन भर 1000 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर चलाओ, उसमें वो फटीक नहीं होना है। सेकंड थिंग, आप जैसे डोमिनार चलाते हैं, अपने डोमिनार का जो आपके का सीटिंग पोस्चर है वो भी, हम लोग भी अभी, मैंने कुछ भी डोमिनार पे दिन में 1100 किलोमीटर किया हुआ है, तो फटीक फ्री पोस्चर है बेसिकली। लेट मी क्लियर की
मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, मेरे दोस्त भी है कुछ ऐसे जो RC 390 पे भी मुंबई लद्दाख मुंबई करके आए हैं, और ही सेइंग इज इन जनरल कि ऐसा है, लेकिन आप आपकी बाइक पे कितना कंफर्टेबल हो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। सेकंड है आपका हैंडल पोस्चर, आपका हैंडल का एंगल कौन सा है, कैसा है, कितना आप उसको पकड़ने में, क्या बोलते हैं, विड्थ आपके हैंडल का वो कैसा है, उसका अप्रोच आपका बॉडी का और आपका हैंडल का, आपका हैंड एंगल वो कैसे रह रहा है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज्यादा लीनिंग है तो आपको या तो पेन होना है, अगर ज्यादा भी ऐसा अपराइट है तो भी आपको पेन होना होता है, तो एग्जैक्टली स्ट्रेट पोस्चर चाहिए। तो बेसिकली हैंडल पोस्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादा छोटा हैंडल रहेगा तो भी आपको तकलीफ होना है, ज्यादा बड़ा हैंडल होगा तो भी आपको तकलीफ होना है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये दो चीजें है, थर्ड आपका सीट है, सीट कितना हार्ड है, ज्यादा हार्ड होगा तो भी तकलीफ होगा, ज्यादा सॉफ्ट होगा तो भी तकलीफ होगा। फिर वैसे भी लोग फिर फिग ऑफ फ्लोट यूज करेंगे, या फिर कुछ लोग कुछ यूज करते हैं, या फिर जेल सीट यूज करते हैं, वो तो नहीं, गोइंग इनटू मॉडिफिकेशन एंड एक्सेसरीज इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, बट अगर आप टेस्ट राइड लेने के लिए जा रहे हो या मॉडल आपको डिस्प्ले बाइक देखने के लिए जा रहे हो, उसी टाइम पे आपको अगर ये सब चीजें मिलती है तो मतलब कुछ लेने के बाद उसको रेक्टिफाई करना इज डिफरेंट थिंग, बट इफ यू हैव रिसोर्सेस, अगर आप ये वीडियो देख के जाते हो तो आपको बाइक लेने से पहले ही ये पता होगा कि आपको ये चीजें देखनी है, सो यू लुक एट द बाइक अकॉर्डिंग टू दैट। जैसे अपने इंजन रिफाइनमेंट की आप बात करें तो इंजन में और भी कुछ चीजें हैं कि लाइक गियरबॉक्स का अरेंजमेंट, गियरबॉक्स जिस तरह से डिजाइन होता है, तो व्हाट आई वुड, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है शॉर्ट गियर्स, गियर रेशो अगर शॉर्ट है तो मुझे खुद को वो पसंद नहीं आता कि मुझे अगर बार बार गियर चेंज करने पड़े, थोड़ा सा स्पीड कम हो गया गियर चेंज करना पड़े, तो आई वुड लुक एट अ बाइक टेस्ट राइड लेके कि जिसका गियर रेशो थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो, स्पेयर अवेलेबिलिटी हो, या फिर मतलब ऑन रोड अगर कुछ दिक्कत आ गई, मतलब रॉयल एनफील्ड लेना पड़ेगा फिर, नहीं वो तो फिर वो गैरेज साथ में लेके चलना पड़ता है। स्पेयर अवेलेबिलिटी रोड पे, रोड साइड मैकेनिक कभी एक छोटी मोटी चीज में उसको इजीली होल समझ के चल गाड़ी, ये सब चीजें होती है। लेकिन आप जब टेस्ट ड्राइव को जाओगे गाड़ी, तो एक चीज ध्यान रखना, टेस्ट ड्राइव को भी छोटा सा अप्रोच अराउंड द डीलरशिप वगैरह मत लेना, टेस्ट ड्राइव कम से कम आपने 10 किलोमीटर या फिर उससे बड़ा टेस्ट ड्राइव देना चाहिए। मैं तो इंसिस्ट करूंगा थोड़ा कुछ चाहिए तो 2 लीटर पेट्रोल डाल लो गाड़ी में, चलाओ थोड़ा डीलरशिप का परमिशन लेके, फिर उनका बंदा लेके जाओ, फिर बड़ा सा टेस्ट ड्राइव उल्टा अच्छा है, मतलब अगर आप विद पिलियन राइड करते हो तो उनका बंदा लेके जाओ, पता चलेगा उसको कितना तकलीफ हो रहा है पीछे बैठ के। टेस्ट ड्राइव जितनी बड़ी लोगे तब तक आप गाड़ी आप उतनी समझ पाओगे, एक 2 किलोमीटर के टेस्ट ड्राइव में आप गाड़ी समझ नहीं पाओगे। स्पेसिफिकली इफ यू आर बाइंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग, तो कम से कम 20-25 किलोमीटर आपको चलानी चाहिए, थोड़ी सिटी में जनरली डीलरशिप अलाउ नहीं करते, बट दैट इज अ गुड पॉइंट, उनके बंदे को लेके जाओ तो आपको पिलियन कम्फर्ट का भी नजर आ जाएगा सीरियसली। सेकेंड है कि आप जब गाड़ी चूज करोगे तो आपकी गाड़ी का सैडल हाइट, मतलब आपका खुद का हाइट और उसके हिसाब से गाड़ी का हाइट, मतलब अगर आप गाड़ी में बैठोगे सब आपका हाइट 5 है और आप जाओगे एडवेंचर 390 लेने, तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है आप जो उसमें ले भी लाओ लोगे चला भी लोगे, पर वो आपके बॉडी को कंफर्टेबल नहीं है गाड़ी, तो सीट का हाइट और आपके लेग्स के हाइट, दिस इज अ सब्जेक्टिव थिंग, मतलब हर एक के लिए अलग अलग के लिए अलग अलग है, तो आपके हाइट के हिसाब से आपने गाड़ी पहले चूज करना चाहिए। ये दो चीज़ें बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, ये अभी तो लेटेस्ट आजकल हर गाड़ी ड्यूल चैनल ABS के साथ आता ही है, या ABS वैसे तो आई थिंक 150cc के कंपल्सरी आ गया, कोई सिंगल चैनल देता है कोई ड्यूल चैनल देता है, तो मोस्टली ABS ड्यूल चैनल आपने देखना चाहिए कि ड्यूल चैनल ABS वाला बाइक को, और उसमें आजकल जो नया अभी एडवांस आया जैसे अपाचे में आ गया स्विचेबल ABS है, आपको राइड मोड्स मिलते हैं, तो ऑफ रोडिंग में चला तो आपको स्विचेबल ABS से आपको काफी बेनिफिट मिलता है, right. ये सब चीजें आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब चीजों में। आई थिंक दिस वेरी मच सम्स अप कि क्या क्या अपने को देखना चाहिए, मतलब आप टेस्ट ड्राइव के लिए अगर जाते हो या ऑनलाइन सर्च करना चालू करते हो कि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए बाइक लेनी है, तो टू स्टार्ट द रिसर्च आपको एटलीस्ट इतने पॉइंटर्स है अभी आपके हाथ में कि ये सब चीजें मुझे देखनी है, ये सब चीजें होनी चाहिए मेरी बाइक में अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बाइक लेनी है। सो आई थिंक दिस विल बी ऑफ वेरी मच हेल्प कि बाइक लेने से पहले ही आप ये सब चीजें देखो। अगेन इसके आगे एक छोटा सा पार्ट ये भी आता है कि ठीक है एक दो चीजें इसमें से ऐसी है कि जो आपकी बाइक में नहीं है, आपको जो बाइक पसंद आती है जिसपे आप जीरो डाउन करते हो उसमें कुछ चीजें है, बहुत सी चीजें है इसमें से, लेकिन कुछ चीजें नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वही होगा अपने इस ब्लॉग का आगे का पार्ट। लेट्स से थैंक यू टू सुशांत फॉर ऑल दिस पार्ट एंड लेट्स वेलकम दीपेन फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस ब्लॉग। यहीं पे बैठ के आपको सब सॉर्टेड पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे बैठ के मिलने वाली है, आज जगह ही ऐसी ढूंढी और दिन भी ऐसा ढूंढा ना सब लोग साथ में है। सो फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वेलकम दीपेन, ही हैज अ यूट्यूब चैनल विद द नेम दीपेन DNA व्लॉग्स और DNA व्लॉग्स और दीपेन एसआर ऑटो व्लॉग्स। ओके जस्ट चेक आउट हिज चैनल बिकॉज ये यहाँ पे बैठे हैं और आपके साथ ये सब बातें हमारे साथ कर रहे हैं ना, बिकॉज
his entire channel is stuffed with videos like this, DIY stuff, bike ke related hacks, all sorts of things. मतलब आप उसके channel पे ही जाके देखना चाहिए. यहाँ पे हम तो बहुत छोटी छोटी चीजें cover करेंगे कि basic long distance touring से related आपको कौन से accessories या modifications bike में करने चाहिए या कर सकते हो आप if needed. अगर first part में cover जो किए हैं ना points, उसमें से कोई parts missing है, how you can make up for that stuff, ये चीजें हम अभी cover करने वाले. लेकिन इसके अलावा भी बहुत से modifications, बहुत से accessories, बहुत से जुगाड़ as we call it, ये सारे आपको इनके चैनल पे देखने मिलेंगे. सो यू शुड गो एंड चेक आउट इस चैनल. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट, अभी आपने तो सुना, आप यू वर जस्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द कैमरा, यू हर्ड के सुशांत ने जो पॉइंट्स कवर किए, आई थिंक ही कवर्ड प्रीटी मच ऑल द स्टफ के लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए आपको बाइक में कौन सी चीजें देखनी चाहिए. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई लुक इनटू. व्हाट ही वाज एक्सप्लेनिंग इज व्हाट आई लुक इनटू. या बाइक दैट इफ आई वांट टू फॉर इट अ लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग. सो व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज कि ठीक है, ये 10 पॉइंट्स है कि जो मुझे देखने चाहिए, लेकिन मुझे ऐसी बाइक कोई पसंद आती है जिसमें इसमें से 6-7 पॉइंट्स है, बाकी नहीं है, तो व्हाट आई कैन डू. मतलब ऐसा तो नहीं, सी नो बाइक कैन बी परफेक्ट. करेक्ट. हर बाइक में कुछ ना कुछ रहेगा. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हर बाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं होती है. लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए व्हाट आर द मॉडिफिकेशन दैट यू वुड सजेस्ट, कि आप कोई भी बाइक लेते हो तो उसमें क्या करना चाहिए. यू कैन स्टार्ट विद व्हाट आई लुक इनटू थिंग्स एंड व्हाट आई वुड प्रेफर. के I think we should start from the front and move yeah, to the back. Start from front to the move back. So first and foremost thing is I would go for a good windshield or a good visor. Okay. Which would be, you know, a touring visor. For if you look at bikes like TRK or Tigers or the actual touring bikes, they come with a flat visor kind of. Yeah. So I'll look at something with that comfort, which would put less stress on my chest. Wind dust कम हो जाए and I could ride for a longer distance. Okay. Second thing I would go for is while touring, you know, sometimes you end up in big cities with heavy traffic and all. So I look out for knuckle guards. Then you could go for a battle handle position. तो जैसे सुशांत ने बताया था कि handle wide optimum होना चाहिए. So I would look at not wide, not narrow. सही बात है वो. सो टर्निंग में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इजी मैनेबिलिटी होना चाहिए. इसमें भी और एक चीज़ और हो जाती है, कभी कभी हैंडल थोड़ा सा नीचे हो जाता है एंड फॉर टूरिंग यू फील लाइक यू नो आपके हाथ अपराइट शोल्डर शोल्डर पे शोल्डर पोजीशन अच्छा होना चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक यू नो लंप हो रहा है या फिर एकदम ज़्यादा हाई हो गया. सो यू कैन एडजस्ट दैट विथ हैंडल बार राइजर्स. तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग इज आप जिस पे बैठते हो, द सीट्स. नाउ बहुत से सीट्स है ना बहुत हार्ड रहते हैं, बट यू लाइक दी बाइक, आपको वो बाइक लेनी है, यू लाइक द लुक्स वगैरह, बाकी फीचर्स पसंद आ गए, बजट में बैठ गई, वॉट एवर रीजन, तो उसके लिए ऑप्शन आपको बहुत मिल जाएंगे. यू कैन गेट अ फोर सीट डन, एट सीट डन, सो दैट कम्स एट एन एक्सेसरी. और यू हैव मार्केट ऑप्शन ऑल्सो लाइक द एयर सीट और जेल सीट. जेल सीट बहुत ऑप्शन है, यू कैन गो फॉर दैट. नेक्स्ट बात करेंगे, आपका पिलियन बैठा है, सेम आपको पिलियन के लिए भी सब फ्रंट सीट के लिए आप कर रहे हो, पिलियन के लिए आपको करना पड़ेगा. बट पिलियन के लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, फुट रेस्ट. सो बहुत सी लेडीज हैं उनको ना तकलीफ होता है पीछे से. आप मोस्ट बाइक्स के आप देखोगे फुट रेस्ट बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं. प्रियंका तो बैठती नहीं है, अगर मैं फुट रेस्ट बड़ा ना लगा ना तो प्रियंका बैठेगी ही नहीं बाइक. इनके बाइक का फुट रेस्ट आप देखना बहुत अच्छा है. आई एम कॉपी दैट. सो जब मैं करूँगा इनका रेफरेंस लेके मैं आपको बताऊँगा कैसे किया जाता है. सो प्रोबेबली अ वीडियो विल कम आउट इन फ्यूचर, बट दैट्स अ रियल नाइस मॉड दैट इज डन. एंड बिलीव मी माई वाइफ डजंट सिट. मैंने डोमिनार पे बैक रेस्ट बिठा के वो बैठने लगी है, बट वो कंप्लेंट उसका अभी भी है कि मैं पैर का रखूँ. लॉन्ग डिस्टेंस पे पैर पेन होने आ जाते हैं, स्प्रेन जाते हैं, स्पेशली विद द सैडल बैग. बहुत कम जगह मिलती है, जगह कम मिल जाती है. सो या फिर कोई ओल्ड एज भी बैठ रहा है तो उनको भी बहुत इजीली बैठ पाया. आपका एल्डर्स, आपके पेरेंट्स वगैरह बैठे तो दैट्स वेरी गुड. पिलियन फुट रेस्ट इज अ मस्ट मॉडल. ये हो गया आपका राइडिंग पोस्चर, फुटिंग एंड ऑल. आपका लगेज, लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस के पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो सामान लेके जाएंगे. सो इजी ऑप्शंस है, आप एक टॉप रैक बिठा लो और सैडल स्टेज बिठा लो. उसमें भी उसके बाद उसमें आप लगेज कैरी कैसे करोगे. सो देर आर अगेन मल्टीपल ऑप्शंस इज दैट. सॉफ्ट लगेज आता है, सैडल बैग्स आ गए, हार्ड लगेज में आपको पैनियर्स मिल जाएंगे. आपने अगर टॉप बॉक्स बिठा लिया है उस पर आपको सामान रखना है, अगर कुछ बांधना नहीं है आपका आपका खुद का लैपटॉप बैग वगैरह बांधना नहीं है, वी वांट इट मोर सिक्योर, यू कैन गो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉप बॉक्सेस. टेल बैग्स ऑप्शंस है. हाँ, अगर आप सोलो राइड करते हो तो टेल बॉक्स भी यूज कर सकते हो. अब डोंट वांट टू गो फॉर अ टॉप बॉक्स या फिर टॉप रैक भी नहीं लगाना है, क्योंकि आपके साथ पिजन 100% ट्रैवल करने वाला है. उसके कंफर्ट के लिए एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हो, बैक रेस्ट. सो वेन यू लुक एट दीज थिंग्स, ये भी आप क्वालिटी देख के अच्छे से चेक करके ले लो कि बैक रेस्ट बेंड ना हो ज़्यादा,
आपको सपोर्ट अच्छा दो, यू कैन सिलेक्ट इट. मार्केट में बहुत चीजें अवेलेबल. आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी मिस आउट इज स्पेशली बीइंग इन द मोटो ब्लॉगिंग, वी हैव अ लॉट्स ऑफ गैजेट्स. करेक्ट. सो हर बार आप हर चीज के लिए पावर बैंक तो नहीं कैरी कर सकते. दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. वो तो डेली यूज के लिए भी आपको काम आ जाता है. ऑफिस में आप ऑफिस के लिए निकल गए, चार्ज करना भूल गए हो, मोबाइल होल्डर भी नहीं है. तो मोबाइल होल्डर एंड मोबाइल चार्जर आई वुड से इज अ मस्ट नाउडेज. लोकल ऑप्शंस भी मिल जाते हैं आपको, ब्रांडेड ऑप्शंस भी मिल जाते हैं. आई एम अ बिट स्केप्टिकल अबाउट मोबाइल होल्डर, क्योंकि मैंने एक गंदा एक्सपीरियंस लिया है कि मोबाइल होल्डर में से मेरा फोन गिर गया था व्हाइल गोइंग टू लद्दाख. तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था. लेकिन यस, देयर आर, इट वाज अ जेनेरिक ब्रांड, ब्रांडेड नहीं था. तो ब्रांडेड जो है राइनॉक्स वगैरह के माउंट्स है तो वो अच्छे क्वालिटी के आते हैं. बट या मोबाइल चार्जर इज अ मस्ट. सो आई थिंक दिस सम्स अप ऑलमोस्ट एवरीथिंग कि आपको बाइक लेते वक्त क्या देखना चाहिए और बाइक लेने के बाद उसके साथ क्या करना चाहिए. इफ़ यू आर कंसिडरिंग दीज टू लिस्ट, अगर आप इसकी लिस्ट बना लेते हो, आई थिंक आपको वो भी तकलीफ क्यों देना है. ये स्क्रीन पर मैं दे देता हूँ, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, बस काम हो गया आपका कि आपको बाइक लेते वक्त क्या चीज़ें देखनी चाहिए और बाइक लेने के बाद उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन देखने चाहिए. बस ये सब चीज़ें आप कवर करते हो ना, योर लाइफ इज सॉर्टेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स. आपको कहीं भी जाना है, लद्दाख जाना है, नॉर्थ ईस्ट जाना है, स्पीति जाना है, या कहीं आई थिंक क्रॉस कंट्री राइड्स करनी है, तो भी मेरे ख्याल से इसमें सब कवर हो गया. इस पर तो आप क्रॉस कंट्री वर्ल्ड राइड वर्ल्ड टूर भी कर सकते हो. दिस वॉज जस्ट अ शॉर्ट अटेम्प्ट टू मेक इट ईजियर फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर न्यू बाइक्स, जिनको बाइक लेनी है लेकिन दे आर इन अ डिलेमा कि यार मेरी बाइक में क्या होना चाहिए. बिकॉज इफ यू लुक एट द एडवर्टीजमेंट्स ऑफ न्यू बाइक्स तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें दिखा देते हैं ना कि यार आपको लगता है कि यही बाइक बेस्ट है. दूसरी बाइक दूसरे दिन एडवर्टाइज आएगी तो आपको लगेगा नहीं यार यही बाइक ज्यादा अच्छी है. बट आपको क्या सूट करता है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको क्या रिक्वायर्ड है, ये अगर आप डिफाइन कर सकते हो ना तो आपका बाइक लेने के पहले का जो हेडेक है ना वो बहुत कम हो जाएगा. And this is exactly what I've tried to cover in this video. I think ये video already बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है तो और ज़्यादा इसको नहीं खींचते. अगर आपको और कोई pointers चाहिए, और कोई information चाहिए, इससे related कोई queries है तो shoot your queries in the comments. जो भी सबसे अच्छे questions रहेंगे, जो भी actually practically important रहेंगे, उसको लेकर फिर से एक नया video बनाऊँगा या फिर Instagram stories में आपको answer दे दूँगा. लेकिन इस video को यहीं पर ख़त्म कर दें. लेकिन before we say goodbye, I just want to remind you, चैनल मेंबरशिप्स अपने चैनल पे एक्टिवेट हो चुकी है. डू चेकआउट द ज्वाइन बटन. उसमें तीन कैटेगरीज है, तीनों कैटेगरीज के पर्क्स आपको वहाँ पे देखने मिलेंगे कि आपको हर कैटेगरी में ज्वाइन करने के बाद क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है. तो अगर आपको सही लगे, अगर आपको वर्थ लगे, अगर आपको हमें सपोर्ट करने की इच्छा हो तो यू कैन गो एंड ज्वाइन. और अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम स्टोरीज में हमें मेंशन करना मत भूलिए. विद दैट सेड, आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए एक्सपीरियंस के साथ या किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ. एंड यस, वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021. फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी. कीप काउंटिंग किलोमीटर्स.